जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले एसीसीएल चिरमिरी क्षेत्र में कॉलरी कर्मचारियों से संबंधित अनेक कार्यों का उन्नयन करने के साथ साथ कोल प्रोडक्शन के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। आपको बता दें कि काले हीरे की नगरी कहे जाने वाली चिरमिरी क्षेत्र में एसीसीएल चिरमिरी महाप्रबंधक घनश्याम सिंह के द्वारा चिरमिरी क्षेत्र के डोमन हिल में सब विद्युत स्टेशन का आधुनिकीकरण के साथ रीजनल हॉस्पिटल गोदरीपारा का उन्नयन के साथ कुरासिया माइंस में वातानुकूलित कैंटीन का निर्माण के साथ 3 STP निर्माण कराया गया। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर 135 कालरी कर्मचारियों की पदोन्नति भी की गई। कविराज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव का जो 75 दिन का विशेष कार्यक्रम है, इसमें मुख्यालय का विशेष निर्देश था कि विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जाएं जिससे एसीसीएल का नाम हो और यहाँ के रहने वाले लोगों को सुविधा बढ़े। इस तारतम्य में हमारे जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ के सैनिक हैं, उनमें से 135 कर्मचारियों की पदोन्नति हुई है इस वर्ष 31 अगस्त को। और रीजनल हॉस्पिटल का रिपेयर बहुत दिन से लंबित था, उसको हम लोग अभी रिपेयर करा रहे हैं, लगभग आधा हो चुका है और उसका उसमें पूरा ग्रेनाइट की फ्लोरिंग की जा रही है जिससे उसका साफ सफाई बढ़े। इसके अलावा कुरासिया कैंटीन जो बहुत खराब हालात में थे उसका उन्नयन किया गया है,